स्टूडियो में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन कौशाम्बी के मंझनपुर अध्यक्ष मनोज सिंह, तहसील सिराथू के आर पी यादव से हमारे चैनल के एडिटर सतीश गोयल जी ने पत्रकारों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न पर चर्चा की। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश गोयल, यूएफटी न्यूज 24 से। आज मेरे साथ है ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन मंझनपुर के अध्यक्ष श्री मनोज सिंह जी, और ये हमारे तहसील सिराथू के है आर पी यादव जी। आज हम लोग चर्चा करते हैं कि जो हमारे पत्रकारों के साथ दुर्घटना होती है, किसी प्रकार से उन्हें गलत चीजों में फंसा दिया जाता है, और सही मायने में जो हमारे पत्रकार साथी हैं कवरेज के दौरान उनके साथ जो है अभद्रता की जाती है, उसके विषय में आज हमारे साथ मनोज सिंह जी हैं। उनका संगठन है ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन, तो इनका संगठन उस विषय में क्या कर रहा है, उसके विषय में जानेंगे। धन्यवाद संपादक जी। मैं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी में मंझनपुर तहसील का अध्यक्ष हूँ, और हमारे संगठन में मंझनपुर तहसील में करीब 80 ग्रामीण पत्रकार हमारे संगठन में जुड़े हुए हैं। और मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत में पत्रकार रात दिन एक करके समाज के हितों का काम करता है, वहीं अपराधियों माफियाओं से वो लड़ता है, उसकी हत्या हो जाती है। बहुत बहुत ऐसे पत्रकारों साथ माफियाओं ने दुर्घटनाएँ करा दी। तो सबसे बड़ी विषम परिस्थितियाँ ये है कि पत्रकारों के हित में सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है कि कम से कम पत्रकार दिन रात बगैर किसी वेतन को समाज की सेवा कर रहा है, और समाज की सेवा करते करते उसके साथ तमाम तरह की विपत्तियाँ घटनाएँ घटती हैं। गांव देहात की खबर निकालता है, बहुत से माफिया गुंडे बदमाश उससे नाराज हो जाते हैं, पुलिस से साठगांठ करके उनके खिलाफ फटे मुकदमे दिखा दिए जाते हैं। तो हमारा संगठन इसलिए खड़ा हुआ है, यदि हमारे किसी भी पत्रकार के साथ यदि कोई घटना घटती है या फर्जी मुकदमा लिखा जाता है या पुलिस उत्पीड़न होता है, तो हमारा संगठन उसके साथ खुलकर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होगा। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करूँगा कि पत्रकारों के हित के लिए कम से कम एक पत्रकार के पीछे 20 लाख रुपए का बीमा सरकार अपनी तरफ से कराए, जिससे किसी प्रकार का जोखिम होने पर पत्रकार के परिजनों को लाभ मिल सके, और किसी भी पत्रकार के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखाए जाने से पहले एक राजपत्रित अधिकारी के स्तर के अधिकारी से जांच कराई जाए। यदि पत्रकार हमारा दोषी है तो पुलिस के अधिकारी निष्पक्ष कार्रवाई करें, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। और मैंने अपने संगठन के सारे पत्रकारों को बता दिया हूँ कि कोई भी साथी गलत कार्य करके ये उम्मीद नहीं रखे संगठन से कि संगठन उनकी मदद करेगा। यदि आपको निर्दोष किसी भी प्रकार का पुलिसीय उत्पीड़न या क्षेत्रीय गुंडे माफियाओं से उत्पीड़न किया जा रहा है, तो हमारा संगठन उनसे लड़ने के लिए सक्षम। और मैं आगे कुछ न कहकर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपने समस्त पत्रकारों की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो मुझको ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का मंझनपुर का अध्यक्ष बनाकर इस लड़ाई का भागीदार बनाया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे इस कौशाम्बी के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश चंद्र मकेला जी, जो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष हैं कौशाम्बी जनपद के, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे साथ हैं आरपी यादव जी। आरपी यादव जी इस विषय में कुछ बताएंगे जो हमारे पत्रकारों के साथ उत्पीड़न होता है, आखिर ये उत्पीड़न कैसे समाप्त होगा, कैसे हमारे पत्रकार साथियों को सरकारी लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी देखा है कई जगह पे फतेहपुर, गोरखपुर, लखनऊ, नोएडा, नोएडा में भी विक्रम जोशी जी की हत्या हुई थी, उस पर किसी प्रकार का हम लोगों ने बहुत ज़्यादा
हमारे पत्रकार साथियों ने, हमारे संगठन ने बहुत ज्यादा जो है इस पे आवाज उठाई, लेकिन अभी किसी भी प्रकार का ज्यादा सरकार की तरफ से हम लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा। तो जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या करे सरकार या हम लोग क्या करें जिससे हमारे पत्रकार साथियों को पीड़न न हो, उनकी हत्या न हो। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं आरती यादव, श्रीरामपुर तहसील का जिलाध्यक्ष, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का। पत्रकारों के उत्पीड़न के बारे में यदि कहा देखा जाए तो कौशाम्बी से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के ऊपर आए दिन कोई न कोई घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती। कुछ पत्रकार ऐसे हैं कि जो अपनी जान जोखिम में डाल करके तरह तरह की घटनाएं उजागर करते हैं, और यहाँ तक कि अपने जीवन से भी कभी कभी हाथ धो देते हैं, और उनका परिवार बेसहारा हो जाता है। उसमें सरकार हमारी कुछ नहीं करती। इसमें हम ये चाहेंगे कि हमारा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन प्रत्येक पत्रकार को कम से कम 50 लाख रुपए का बीमा निर्धारित करे, और उसको कम से कम जो है पारिवारिक लाभ जिससे उसका भरण पोषण हो सके। और पत्रकार बंधु, हमेशा उत्पीड़न के लिए हम ये चाहेंगे कि हमारी एसोसिएशन हमारी इस बात को सरकार तक पहुंचावे जिससे उनको लाभ मिल सके। धन्यवाद।